दूध की मलाई है, इसके ऊपर हल्की सी चीनी डाल रहे हैं यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ये चीनी ऐसे करके, ये बिस्मिल्लाह, फुल देसी नाश्ता। ओए इतना ऑथेंटिक रोश नहीं है। लहसुन का और प्याज का जो पानी निकाल लेते ना, अच्छी तरह से यखनी डाल दें। कोई यखनी है 270,000। अब फाइनल की है, मुकना की है, ये सेमी फाइनल नहीं जी, फाइनल ही है। ऐ जरा पहाड़ी है, ऐ केड़ी नस्ल होंदी है, ऐ भेड़ो किन्ने दा? 55,000 दा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। आज की जो व्लॉग है, हम आज विजिट करेंगे इंशाल्लाह बकरा मंडी को, क्योंकि ईद आ रही है, ईद करीब है, कुर्बानी सब ने करनी होती है, जिस जिसके पास इस्तेदात होती है, जिसको अल्लाह ने साहब इस्तेदात बनाया है। रेट क्या चल रहा है, मार्केट कैसी चल रही है? 6.5 लाख रुपया वो जाके हम थोड़ा मार्केट को विजिट करेंगे, मंडी को विजिट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम निकलेंगे कोई नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मेरे साथ उमैर भाई, एक दफ़ा फिर से अभी हम आ गए इस टाइम शाहपुर कांजरा, अभी ये पीछे बकरे स्टार्ट हो गए भाई। यार इस चक्की के अंदर जो फ्लेवर है ना उस्ताद जी, होए कमाल दिखने में, जो चक्की नज़र आ रही है बट मुझे फ्लेवर नज़र आ रहा है इसके अंदर। ये एंट्रेंस है मंडी की, आगे आएंगे तो ये राइट साइड बकर मंडी है, इसी तरफ ऊँट मंडी है। अच्छा यार यहाँ पे वॉशरूम तो है, लेकिन वहाँ पे लाइन बहुत लंबी है, उसका जुगाड़ गया। पैसे दो, पैसे दे के जल्दी फारो गए थे। ओके करो, 50 रुपये जो बड़ा छोटा दो, सारे दो देने। ₹15 लाख, ₹16 लाख, ₹15 लाख, ₹16 लाख जानवर प्यारा है, लेकिन जो है ना यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है यार। अच्छा लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये जो लोग रेट अपने मांग रहे हैं ना यहाँ पे, इनकी एक ऑडियंस है, उनको पता है किस बंदे के पास हमने जाना है, कहाँ से किस किस्म की चीज़ मिलनी है। ये शेख कैटल फार्म है मोलन वाला। अरे यार कितनी नस्ल है, अभी मुक रही है ब्राह्मण, अरे जी कितना गोश्त निकल आएगा अंदाजन? यार बैल चेक करो यार, यार सर जी ये बैल चेक करें आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो यार, किन्ने का जा रहा है जगह बैठा? ये 9 लाख का। 9 लाख का? हाँ जी। और ये जो खड़ा हुआ, ये 13 लाख। 13 लाख है, माशाल्लाह। ये कितने का? ये 25 लाख। ये 25 लाख का? इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है तकरीबन 6 साल का है ये? नहीं, 3 साल का है। और अभी तक दो सीधा है। जब जानवर इतना बूढ़ा हो जाता है, मतलब ज़्यादा उम्र का हो जाता है जी, तो उसकी कुर्बानी तो लोग पसंद भी नहीं करते जी, तो फिर ये कैसे लोग लेते हैं इतना महंगा जानवर? बस ये शौक वाले जो लोग हैं वो लेते हैं, बड़ा शौक वाले वो ले लेते हैं। जिसने कुर्बानी करनी है वो नहीं देखता कि ये एजड है या जो भी है। अच्छा, उसने करनी ही करनी है। नानदानी पे किधर आया? अच्छा पर्दे पास आया, गुस्सल करवा रहे हो? ओए ये खाने पीने का बड़े फेमस है, मैं अक्सर इनका फेसबुक पे देखता रहता हूँ। जानवर ये कितने कितने के हैं? ये 1,60,000 का। 1,60,000 का जितना ये जानवर नजर आ रहा है ना, पिछले साल 80,000 में भी गया है। सर इस बारी में महंगाई की वजह से कुछ महंगा है, और कुछ जो है ना बीमारी की वजह से जानवर मरा बहुत है। ओलंपिक वायरस था। अच्छा, उसकी वजह जानवर मर गया? मर बहुत गया है, और जिस पे दाग भी लगा है ना कुर्बानी के जानवर पे, जख्म हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। ये कितने में बिक जाएगा फाइनल? फाइनल ये सर बिकेगा बहुत बेगर बार्गेनिंग करके, बहुत बार्गेनिंग करके ना 1,20,000 तक का बिकेगा, और इतने का है और नॉर्मल बिक जाएगा। ये 1,40,000 का, और ये 2.5 लाख का। ये साइज में छोटा है, लेकिन क्यों महंगा? ये गैनी नस्ल है। गैनी नस्ल है? ये मतलब जब तक इसकी लाइफ है, जितनी देर भी इसको रखेंगे इतना ही रहेगा, फूल जाएगा। अभी भी ये मुँह से, हाँ जी मुँह से ये चोगा है, और ये छिगे का दांत निकाल रहा है। अच्छा ये, अच्छा मैं समझा, ये बछड़ा डेढ़ कितना वजन आएगा? 5 मन तो गोश्त नहीं। अच्छा यार यहाँ पे ये जो है ऊँट है, मेरी ये भाई सो रहा है। ऐसा दसो किन्ने का है? ला सर डिमांड कर रहे 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपया? हाँ। वैसे ऐसे एवरेज रेट की है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा है जानवर? 4.5 4.5 4 4.5 4 आम रेट है सिर्फ। ऐ ला महंगा कप्तान बॉर्डर चमन वाली साइड, बलोचिस्तान। अच्छा सफेद वाले सफेद वाले मर्दान तो है।
ये मर्दान है। अच्छा मुझे ना एक बात यहाँ पे अभी भी समझ आई है कि यहाँ पे मैंने अक्सर देखा लोगों को ऊँट ज़िबा करते हुए, लोग ऊँट लेते हैं, मुझे ये लगता है कि ऊँट शायद महंगा होता है, लेकिन ऊँट अगर देखा जाए ना कंपैरेटिवली जानवर जो है वो गाय से या जो बछड़ा करते हैं या जो बैड़ा करते हैं उससे सस्ता होता है, क्योंकि उसके अंदर गोश्त निकलता है हमारे तकरीबन 10 मन 9 मन 8 मन या बहुत अगर छोटा हो तो 2.5-3 मन फिर भी निकल आता है उसमें से, लेकिन इसमें कम अज़ कम 15-16 मन गोश्त निकलता है इसके अंदर, इस लिहाज से ऊँट कंपैरेटिवली सस्ता है। ये जिस तरह यहाँ पे ट्रक आर्ट होता है ना, इस तरह यहाँ पे ऊँट आर्ट भी है भाई। टाइम कितना दे रहे हो जान? ये 270 का। 270 का जी। कितनी नस्ल है ये? साहिवाल नस्ल है। साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, बिग फैन माशाल्लाह, आपकी वीडियोस बहुत ज़बरदस्त बहुत पसंद आती हैं। कीप इट अप। हमारे पास कोई माशाल्लाह इस्लामिक वे में भी कोई बंदा है? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ गुड विशेस सर। आप कहाँ से? मैं लाहौर से ही हूँ। नोमान कहाँ रहते हैं आप? बैरियर टाउन। अच्छा बैरियर टाउन, ठीक है, छुरी फेरनी है। चलो पैसे छुरी चलनी है। 2,70,000 ये सेमीफाइनल नहीं जी, फाइनल ही है। अच्छा हाँ जी, ये क्वार्टर भी लग गया, सेमी भी लग गया, दी ओवर वाला। हाँ जी ठीक हो गया। वैसे मतलब जानवर अच्छा नहीं, जानवर अच्छा है, कंपैरेटिवली अच्छा जानवर है, मुनासिब कीमत है ना? मुनासिब नहीं है लेकिन जानवर अच्छा। हद जड़ा ना दो तक करा तुसी तो यार साडा दिल ही तोड़ी जांदे ने, मुनासिब नहीं है वो। दिल लग ही है फिर जुड़ जाएगा? नहीं ये नहीं जुड़ना है। केड़ा तुहाडी कोई गर्लफ्रेंड हैगी जेड़ा दिल तोड़ेगी जुड़ेगा नहीं तुहाडा? ये जो है ना जी बारी फार्म्स है, इनका एक मुझे सब इनका जो जानवर नज़र आ रहा है ना, ये छोटे साइज में लेकिन ये मुनासिब जानवर लग रहा है कुर्बानी के हिसाब से। इनके रेट वगैरह जो है ना अंदर जाके लेते हैं, इनके रेट सारे दोंदे हैं? हाँ जी दोंदे हैं। किस तरह अपन की मोल लेना था? तकरीबन 1,20,000 तो लैके फाइनल जेड़ा 1,50,000 तक। 1,20,000 तो शुरू होएगा? हाँ जी। कितना कितना गोश्त निकल आएगा बीच उन्होंने? गोश्त है तो करो किसी का 3.5 मन किसी का 4 मन है। 3 मन 4 मन निकल आएगा? हाँ निकल आएगा। यार ये है बारी फार्म, यहाँ पे ना जानवर थोड़ा साइज में छोटा है लेकिन मुनासिब मिल जाएगा आपको। 1,20,000 से 1,40,000 1,50,000 में जानवर मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपको जानवर पसंद आता तो देख लें, क्योंकि जो मार्केट का रेट चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे, 2-2.5 लाख से कम जानवर कोई भी नहीं है। ये जो है ना हम जा रहे हैं इधर बकरों को देखने, बकरे और दुम्बे और जो छतरे हैं वो देखने जा रहे हैं। जानवरों को जो बड़ा जानवर है उसके बारे में ये समझ में आया कि आपको कम से कम जो है 1,20,000 से लेके 10-25 लाख तक का भी जानवर आपको मिल जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि अपनी रेंज में लें, शो ऑफ ना करें। टिप ये है कि आप उस टाइम शॉपिंग करने आए जब रेट गिरा हो, और रेट गिरता है जब यहाँ पर बारिश होती है, कीचड़ होता है, तो अगर आपने कीचड़ में आना है तो आपने ये जूती पहन के नहीं आना, आपने शूज़ पहन के आना, क्योंकि आपके सब लिबड़ जाएगा। और इनकी तरह शलवार कमीज पहन के भी नहीं आना, कच्चा पा के आना, ट्राउजर टी शर्ट में भी आप आ सकते हैं जी। ये आ गए हैं बकरे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये हाल चाल की भैन? की रेट है कैसे बकरे का? हाँ जी 1,10, 1,20, 1,30। जिंदा वेट 85 किलो। 85 किलो का बकरा? हाँ जी 70 किलो 65 किलो। केड़ा बकरा? तला का बहुत है 70 किलो भाई जी, सारे बकरे। हाँ जी मैंने कितों भी 70 किलो नहीं लग रहा सारा हो गया। कितने का होया? 50 लाख का सारा ही? कितना बकरा? 100 बकरा 100 जोड़ा 170 का। चिट्टा ताड़ा है? काला भी ताड़ा ही है? ठीक हो गया। कितने का काला? काला 65 का। 65 का जी। काला होंदे तो सस्ता नहीं हो? वजन दे हिसाब होंदे। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है आप सुनाओ। अल्लाह का बड़ा है। लो जी पंजाब तक आ रहे, इधर भी आ गए। इधर आपने ये इधर ये रेशमी बोटी बनाएंगे इनकी? भाई जान आप जो के बना देंगे। पुत्र यार माशाल्लाह क्या बात। किस तरह जी चक्की वाला? ये ले लो
आलू भी गंडे भी केक भी खाना केक नहीं केक नहीं खाना ले आज बस खाता है। अच्छा यार बकरा जो है ना आपको बकरा यहाँ पे आपको मिलेगा 60-70 हज़ार से लेके 1,40,000 1,20,000 तक का आज की तारीख के मुताबिक 2 जुलाई के मुताबिक आपको रेट बता रहे हैं। आहो ठीक है हाँ ठीक है तो और इसमें जो है ना जो छतरा है वो आपको छतरा 45,000 से 50,000 से ऊपर तक मतलब 60-70 हज़ार तक छतरा मिल जाएगा। बकरा थोड़ा सा महंगा बकरा 60-70 हज़ार से ऊपर आपको 1,20,000 तक का मिलेगा। बहरहाल गाय जो है वो आपको 1,20,000 से लेके 2 लाख तक अच्छी जानवर अच्छा जानवर मिल जाएगा। ऊँट जो है वो आपको 4.5 लाख 3 लाख से लेके आगे 10 लाख तक भी मिलेगा। तो ये यहाँ की इन्फॉर्मेशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने का बकरा है दुम्बा? 81 रंग भी वैसे चिट्टा था रंग का मुल हों भाएं निकलता तो गोश्त ही है ना भाएं गोश्त निकलता गोश्त सारा साल दुकाना तो भी खाई था। बड़ी लख दी गल भूख शदीद हो गई है अभी जाके कोई नाश्ता ढूंढते हैं। चलो इसके फैन बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब करते हैं यार फैंस बहुत हैं सब्सक्राइब नहीं करते यार मोहब्बत करते हैं ना मेरे लिए ये काफ़ी है मुझे मोहब्बत करते हैं बस सब्सक्राइब करें ना करें इनकी मर्ज़ी है कर दो वैसे। खाने का आपको यहाँ बता दूँ खाने का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे जो चने मिल रहे थे बिल्कुल एवरेज थे मतलब प्योर लाहौरी स्टाइल चने नहीं थे। पाए जो उन्होंने बनाए थे चूँकि चने अच्छे नहीं थे तो पाए भी डेफिनेटली अच्छे नहीं होंगे। ज़र्दा भी तो था वो मतलब प्रॉपरली नहीं था मतलब खाना बहुत अच्छा नहीं है मंडी के अंदर इसलिए खाना अगर आपने खाना तो बाहर आ जाए। हम यहाँ पर ढूंढते हैं जैसे जो भी मिलेगा वो आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं मांगा मंडी की तरफ। अगर आप जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा तकरीबन 14 किलोमीटर शाहपुर कांजा से 14 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा ये सितारा हिलाल होटल। ये मेरी बैग का कोई इसका बोर्ड नज़र आ रहा है इसकी लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा इनके पास रोश होता है और इसमें नाश्ता है यहाँ पर इसमें नाश्ते के टाइम पर यहाँ पर दाल माश और पराठे के ऊपर एक खास तंदूरी पराठा होता है उसके साथ कुछ मलाई देते हैं ये और इसके अलावा जो भी जो सब्ज़ियाँ हैं और जो भी इनके पास अवेलेबल है वो जाकर चेक कर लेते हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये रोड आ रहा है सीधा शाहपुर कांजन वाली साइड से चूंग वाली साइड से चूंग वाली साइड से जब आप आगे आएंगे और जाएंगे सीधा मांगा मंडी ये जा रहा है रोड मांगा मंडी की तरफ सीधा इस रोड पर जब आप आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड का पंप आएगा और चल के पंप का बिल्कुल साथ जो है ये सारा हलाल होटल है इनके पास चलता है। ये जो है ना इनकी एंट्रेंस है। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अभी दाल माश है सब्जी है केमा है चावल है नमकीन रोश है जी और मलाई भी होती है पराठे मलाई होता है सुबह टाइम होता है अभी खत्म हो गया यार वो तो कह रहा है अंदर पता तो करो जाके है मलाई है देखा फिर यार ये जो इनका डाइनिंग हॉल है बैठक है जिसे बोलते हैं ये किचन है। अदनान पे कितनी देर से यहाँ पे हमारे जो तकरीबन हो गया 12 साल हो गया आपको कितने देर हो गए 12 साल हो गया 12 साल होटल कितना पुराना है इधर बहुत पुराना हो गया ये पुराना होटल है बहुत पुराना होटल है। अच्छा सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है सर चाम भी होता है और मीट भी होता है गर्दन भी होता है गर्दन भी है जी और मीट भी होता है। कितने की प्लेट है क्या 600 रुपए इसका बोटी होता है 700 रुपए भी होता है 600 रुपए की एक बोटी कोई भी बोटी कोई भी हो शोरबा में मिलेगा और रोटी भी साथ मिलेगा सही है। नहीं आलू नहीं लेता तो आलू का और आलू वाला और होता है आपको अपना रोशन जी अपना रोशन नमकीन रोशन। ये क्या जी ये कीमा है आलू कीमा आलू कीमा ये छोटा गोश्त है या बड़े गोश्त है मटन मटन हरा मटन है आपके पास माशाल्लाह सही होता है। ये क्या जी सब्जी कद्दू माशाल्लाह ये कितने की प्लेट है कद्दू प्लेट 180 और ये दाल माश है दाल माश ये अभी फ्रेश तैयार और हो गई अभी और तैयार हो गई है ये खत्म हो गई है सही हो गया। और ये पीछे के पतीलों में क्या बन रहा है ये क्या है ये काफी माशाल्लाह और भी है जी माशाल्लाह। ये कितने की प्लेट है ये 320 320 की जी
सही होगा। ठीक है बन रहा है ये, और चिकन रोल बन रही है, दाल मांस पक रही है। फ्राई जो होता है ना मटन की, उसमें टमाटर नहीं होता है। अच्छा, सादे में टमाटर होता है, उसमें मसाला ज़्यादा होता है इसमें। अभी ये पका नहीं है? ये अभी पका नहीं, हाथ जलना चाहिए। तो बड़ा है। काम दे रहा है। अच्छा दम लगा हुआ है, नोश बन रहा है। इसमें आलू नहीं है? आलू नहीं है, ये चर्बी है। ये बकरे का बनाते हैं कि दुम्बे का बनाते हैं? बकरे का। सारा बकरे का। ये कितनी देर में तैयार होता है? एक घंटे। इसमें कितना गोश्त चलता है पतीले में? 180 पीस। हाँ, यार ये इनका सिस्टम है, ये इधर पतीले चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ सर्विंग कर रहे हैं ये, और इस तरफ जो है ये रोटियाँ लग रही ताज़ा रोटियाँ, और ये पीछे जो है ये पीछे सारी कुकिंग कर रहे हैं। ये ग्रेवी दे रहे हैं, ग्रेवी सारी। वाह, ये बड़ा नॉर्मल स्टाइल का कर रहा है ना। एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो पाबंदी है ना वो 11 बजे वाली, 11:30 बजे वाली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये सिटी में नहीं है, सिटी से बाहर है। हाईवे है, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे ट्रक वगैरह यहाँ चल रहे होते हैं, 24 घंटे ट्रैफिक चल रही होती है, तो 24 घंटे खाना यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो अगर आप लाहौर में, आपको 11:30 के बाद भूख लगे और आपने डाइनिंग भी करना है, तो एक घंटा लगा के यहाँ चल के आ जाए। नहीं, अगर बैदिया टाउन वगैरह की जो मार्केट है वो लोग यहाँ पे 15-20 मिनट का रास्ता है ऑब्वियसली। और अगर मंडी आप आए तो मंडी से आप यहाँ आ ही सकते हैं। ये जी पराठा आ गया, तंदूरी पराठा है। ये आ गया जी रोस्ट चांप की बोटी के साथ, और ये दाल माश, और ये मलाई, इसके साथ चीनी आती है। चीनी तो जी ये हमारे सामने जा रहा है, ये दाल माश, और ये आ गया है इनका रोस्ट। ये चांप की इन्होंने स्पेशल हमें बोटी दिया है, ये स्पेशल जो है ये चांप की इन्होंने बोटी मिली है, इसमें अच्छा माशाल्लाह गोश्त लगा हुआ, और साथ में जो ये ना ये जो है मलाई, ये ट्रेडिशनल स्टाइल है जी, तंदूरी पराठे के साथ मलाई, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, और चीनी डाल के इसको ट्राई करेंगे। पहले जो है हम दाल माश से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया तंदूरी पराठा, इस तंदूरी पराठा, इसका टेक्सचर पराठे वाला है, लेकिन मज़े की बात है कि इसमें ऑयल नहीं है, ये हेल्दी चीज़ है। तो ये तंदूरी पराठा है, इसकी बाइट लेते हैं। यहाँ से जो है हम दाल माश से स्टार्ट करते हैं, ये पहली बाइट दाल माश। बिस्मिल्लाह ही वाला बनते हैं। यार इंतहाई को नेक्स्ट लेवल दाल माश है यार, ये मतलब बहुत कम जो लाहौर के जो होटल्स हैं ना जितने भी हैं वहाँ पे भी इस तरह की दाल माश नहीं मिलती होगी जैसी ये दाल माश है। इतनी जो कमाल की है ना, ये खड़ी खड़ी दाल है, बिल्कुल मिक्स नहीं हुई, घुली भी नहीं है, खड़ी खड़ी दाल है, और इसका अलग अलग दाने का मतलब एक एक दाना जो है वो अलग अलग टेक्स्चर दे रहा है, अलग अलग फील दे रहा है, और इसका टेस्ट इंतहाई कमाल है यार माशाल्लाह, बहुत अलग, बहुत कम जगह से इस तरह की दाल माश खाने को मिलती है, बहुत कमाल माशाल्लाह। मेरी दालों के अंदर मेरी फेवरेट है अगर अच्छी बनी हो, और ये बहुत कमाल बनी है माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह यार बहुत ही कमाल, गोश्त का कलर बरकरार है और टेक्सचर भी बरकरार है। इसको डिप करते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। सारे ये लुकमा टूट रहा है क्योंकि तंदूरी पराठा, और ये बाबा टूट रहा है ये। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इतना ऑथेंटिक रोश नहीं है, लहसुन का और प्याज का जो पानी निकाल लेते हैं ना अच्छी तरह से, यखनी डाल दें तो यखनी है। मटन का अपना जो गोश्त का, छोटे गोश्त का जो अपना उमामी फ्लेवर होता है, एरोमेटिक फ्लेवर होता है, वो इसके अंदर आ रहा है, वो ये है। जूसी भी है और अपना टेक्सचर उसका बरकरार है, आपको छुपाने का टाइम मिलता है, और बहुत कमाल गया है गोश्त, प्रॉपर गला हुआ है। अगर इसको हाईवे के रेस्टोरेंट्स के हिसाब से जो रोश होता है, जो नॉर्मली इस तरह का ही होता है, उस हिसाब से बड़ा अच्छा रोश बना हुआ है। ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि ऑथेंटिक इज समथिंग एल्स, रोश बहुत कमाल की चीज़ होती है। रोश कह लो कि रोश जो है ना वो आलू गोश्त का फादर ऑफ आलू गोश्त। तो जी ये तीसरी चीज़ है ना, ये है जी असल, इसकी बड़ी अलग से मुझे जो थी ना एक क्रेज़ था कि ये चीज़ ट्राई करनी है। ये देखो ओए हाय हाय हाय, सवेरे सवेरे मलाइयाँ, ये दूध की मलाई है, दही की मलाई नहीं है, ये दूध की मलाई है, इसके ऊपर हल्की सी चीनी डालते हैं यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ये चीनी ऐसे करके ओए हाय, ये बिस्मिल्लाह, फुल देसी नाश्ता। ओए होए ओ यार, जो तो
तंदूरी पराठे के अंदर हल्का सा ऑयल है, एक तो वो ऑयल पराठे का फ्लेवर आया और मलाई का फ्लेवर बहुत कमाल आया यार। यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, मैंने रोज उनका चलता है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा चीज़ मज़े की लगी उनकी दाल माश और ये मलाई। अगर आपका पैसे थोड़े भी है ना और आप यहाँ आ रहे हैं कुछ और भी खाने आ रहे हैं ना, मलाई और ये तंदूरी पराठा अल्टीमेट है यार कमाल। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट। ऑप्टिमम बाइट है ये, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपने ये वाली बाइट लास्ट में ट्राई करनी है। यहाँ पर मैंने ये मलाई के ऊपर चीनी डाल के थोड़ी सी आपने ये देखी मलाई चीनी डाल के ये आपने ये ऐसे चाय का ऊपर अखीर है यार। अगर लाहौर से सिटी से ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़े ये तंदूरी पराठा मलाई के ऊपर चीनी डाल के थोड़ी बाइट साथ में ऊपर चाय करके दस बारह आ गई। ओके यार हमने यहाँ से नाश्ता कर लिया, बकरा मंडी का भी विजिट हो गया। अब ये मंडी कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से थोड़ी सस्ती होती है बाकी जो मंडियाँ होती है उसके नस्बत, लेकिन अभी क्योंकि चढ़ी हुई है तेज़ है बारिश होगी तो और गिर जाएगी। और यहाँ का जो नाश्ता है यार बहुत अखीर, यहाँ पर आप मंडी भी आएँ तो यहाँ पर आ जाएँ, ना भी मंडी आना फिर भी यहाँ पर आ जाएँ। और यहाँ पर आके जो है ना ये मलाई पराठा और चाय और दाल माश एंड रोस्ट जो है इनका अच्छा है, लेकिन भाई को मलाई बहुत पसंद आई है। और ये है भाई अदनान, ये अदनान भाई हैं, इनसे आगे आपने मिलना, इनसे आपने सर्विंग लेनी है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे आप। अल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फॉलो करना नहीं बोलना क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ होता है, गपशप होती है, बातचीत होती है, चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी करते हैं हम, प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग भी होती है वहाँ पे, तो ये भी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। और अगर ये वीडियो को बहुत लंबी लगती है ना तो इसका छोटा सा क्लिप इंस्टाग्राम पे एक मिनट का होता है, वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपसे मुलाकात करने से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।